ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते गुरुदेवाय, ॐ नमो भगवते शिशु अनंताय। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। सच्चिदानंद रूपाय विशुदपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं जत्कृपातमहं वंदे परमानंदमाधवं। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 हरे मुरारे मधुकैट भारे गोविंद गोपाल मुकुंद सूरे। हरे मुरारे मधुकैट भारे गोविंद गोपाल मुकुंद सौरे। जगीश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय माम जगदीश रक्ष। जगेश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय माम जगदीश रक्ष। निराश्रय मां जगदीश रक्ष। निराश्रय मां जगदीश रक्ष। निराश्रय मां जगदीश रक्ष। निराश्रय मां जगदीश रक्ष। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। मदीय प्राणइष्ट प्राणवल्लभ सर्व अवतार सार कोटि मन्मथ मथित मोर इष्टदेव भगवान क्षीराब साई शिशुनंद अभयचरण अरविंद्रे सेवक प्रणाम नवेदन करुच्चे। प्रभु श्री जगतर नाथ जगन्नाथ को ये सेवक प्रणाम नवेदन करुच्चे। समस्त सद्गुरु मानू मो गुरुदेव विश्वप्रेमी बलियांग स्वरूप प्रणाम नवेदन करुच्चे। आपण अनेक दिव्य पवित्र श्रोता मानू पाई आपण हृदय हूँ पवित्र यही श्रोता मानू पाई ए सेवक बहुत खुशी जे आपण माने प्रतिदिन सका भाव भागवत श्रवण कर सहित पुणी अनेक अच्छा एमती भल पाइले एमती भल पाने कौन जे गोपाल भाई आपण जो कार्यक्रम भाव भागवत करपण कौन पिला बसवाई देखूँ आम पान बसऊ फटो उठेक दूसं ये हूँ कौन ये हूँ गोटे भाव जेतेबेले आपण सहित मोर भाव जड़ित होना से आमर भागवत कहवा सफल होवण करवा सफल होमें गत अध्याय आलोचना करुले आत्मदेव
तुंगभद्रा नदी कूल जहाँकर जन्म होता से आत्मदेव गोटे पुत्र संतान लालसारे से आज जंगल को जाती जी व्याकुित थे गोटे सतान पाई तांकर पत्नी धुंदुली किंतु से व्याकुित नथिले खाली लोक दक्षिणा कहते मोर गोटे सतानी दरकार गोटे परिवार गोटे वंश को रक्षा करने निजक मुक्ति करने निजक मुक्ति देवाई जंगल को जा जंगल से तपस्या करफल हो जाती हाँ आशा दुखर कारण बोली सी कही पाखे जड़े साधु आसिक पहुँची कि साधु जिते जिते बुझौं अनेक ऋषि मानर कथा बुझुंट अनेक अनेक शास्त्र सम्मत कथा बुझुचारे भी हे नाउरी बर भवन दी पारिकर साधुंकर कथा थिला ये भवन नदी पारी करे तुम पुत्र तुम कन्या तुम आत्मीय स्वजन पारी करी पारे पारी करवा लोक हूँ जड़े मो प्रभु ही तुमको पारी करे से कृष्ण से जगत गुरु ही तुमको पारी करे कि हम कौन अनेक ज्ञान से अधिकारी आत्मदेव बोली कहले कौन हम आत्मचिंतन सीए विच्युत हो जाती हाँ आम भावुचे जे चारिड़े रामायण कथा चली चारिड़े भागवत कथा चली जो टीवी खोलिबे जो यूट्यूब जो खोलिबे सबुआड़े शास्त्र सम्मत कथा चली अनेक कथा चली समाज परिवर्तन कहीं घटुनी जदि जड़े परिवार भितरे जड़े मार रोसे करिवार इच्छा नथिबो केवल खाली केवल गोटे कर्म चलेबापाई रोसे कर देखिए से खाद्य केते बेले सुंदर लगे मधुर लगे स्वादिष्ट लगे ता भीतर भाव न रहिला ना ता भीतर जदि से आत्मीयता न रहिला तेबे खाद्य मध्य विषाक्त हो जीव आज समाज से अनेक कथा घटुची गुरुदेव विश्वप्रेमी भाया मो गुरुदेव गोटे सुंदर पदरे लिखिदेचंती हे राम 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 भजुछु रे मन रामंक आदर्श नाहि राम 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 भजुछु रे मन रामंक आदर्श नाहि कहु मुखे रही बाकु सुखे श्याम कहु मुखे रही बाकु सुखे आचरणे शून्यतहि आचरणे शून्यतहि आचरणे शून्यतहि आचरण ना आपनी आचरी परते शिखाओ जी निज भितर से आचरण ना ना करी कराउ थाई मुही मोबिनु अनिगति ना यार अर्थ मे आगे निजे जो कौच ताको आगे आचरण करवा उचित आग आम राम राम कौचे कि आम भितर आज रामंकर आदर्श ना आम हिंदुत्वर कथा कौजे आपण टे बुला आसिले टे पचारि आसबे आमे केते जन सकाळ उठी गीता पढ़ुचंती हाँ जुवपीढ़ी जुवक माने से माने गीता भागवत पढ़िया पे अमंग हेबे किंतु तांकु उचित पथरे उचित दिगरे नबार बाट देखेबे कि गुरुजन माने पिता माता माने आपण पाखरे जो सेवकटी बसीची आपणकर पुत्र भली कथा कहुची के कहिचंती मो आश्रमर गुरुजन माने मते सबुबेले कुंदी तू गीता पढ़ तू भागवत पढ़ हाँ केमी मुझे भूलि मुझे ना ना मुझे आपे मुझे पढ़ी जाऊँगी मुझे आपे मो मन भितर पढ़ापी ना आमर मन ए मन स्वभाव चंचल केवे नर है निश्चल ए मन चल चंचल हम के निश्चल हम
किए कर मोर गुरु गुरुजन मान मोर बापा माँ मान यही सब कार्य करें कारण मुझे कहे ना से मत लगे जे मु आपणकर जने पुत्र भाव में मुझे केते आनंद केते साहसर सहित कहूँ हाँ छोटिया कथाटे कह सेवक आपण मानू राम 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 भजुछे मन राम को आदर्श ना श्याम कहू मुखे रुखे आम सुखर रही आम श्याम को डाकुचु आदर्श देखापी आम राम को कहचु किंतु वास्तव में जदि ताद आम जीवन चर्चा न घटव ना टिके जी कि न रहा कि लाभ ना छोटिया कथे जड़े साधु थे साधु माने अनेक सत्संग करती से साधु तांग शिष्य मान गोटे छोटिया कथाटे कहले तुम्हें पिला माने ए आचरण कर जड़े पंडित चारिडे प्रवचन देवाई जाती प्रवचन कथा शुणापी समस्त लोक मैंने रुंड होती समस्ते आनंद हो जाती भल भल संगीत भल भल भजन शुणाप आनंद हो जाती खुशी हो जाती दिनकर कथा कौन पंडित गले बजार को बजार को जाकि बड़ मछटे भाकुड़ मछटे कि स्त्री को देले कहले हेटी शुणुच ना तुम्हें मछटे निकु रोष कर मुझे जाऊँ प्रवचन टी देवाई जे प्रवचन देउचंदी से चलिए प्रवचन देवाई गाँ पाखे प्रवचन हम पत्नी चिंता कले पत्नी चिंता कले कले गाँ पाखे मो स्वामी प्रवचन देउचंदी आ ये प्रवचन टी मुनि मुझे शुणी ना ये लोक जाऊँ पत्नी गले प्रवचन शुणापी प्रवचन में जाकि बसिले आगरे बसिले आगरे बसिक आगे कथा सब शुणिले सब शुणापर घर को फेरिले पछे पछे तांकर स्वामी कथा सारिकी प्रवचक जनक ज्ञानर पंडितर कथा सब कहले कह सारिकी घर को फेरिले घर को फेरला कहले आस मुथर आसीगले बहुत परिश्रम खाइबि कौन दिए मो दीटा कहले कौन करी कि हो तमें जो बड़ बाकुड़ मछटा आनील ना ताकु बिलई खाई सी रागि उठिले कौन तमें कल जाच केत टा दे से भाकुड़ मछटा मुझे ताकु तमें से बिले को देदेल कहला कौन करी मुझे चारिडे प्रवचन देवाई जाऊ तुम्हें जो घर पाखे प्रवचन देल मत खुशी लगला मो स्वामी कथा अनेक शुणुं मो स्वामी कथा बसिक शुणी किंतु मु सुनिली मते बहुत आनंद लगला किंतु तमे सेठी कहुतलो जे क्रोध कर नाही क्रोध कले शरीर पई खराब समाज पई खराब धर्म पई खराब किंतु क्रोध आगे अप्लाई आसिकी मो पाखरे प्रथम आसी कलणी आगे तुम्हें जहाँ सेठी कहिलो सेठी तुम पालन न करी आगे मो पाखरे कहिलणी द्वितीय कथा तुम्हें कहिलो लोभ कर नाही तुम्हें लोभ कौन न करिलो जदि बिलईटी नहीं गला आउ कौन मुझे नहीं आसी पारि फेर आनी पारि से तुम्हें एमती लोभ कर तुम लोभटा से तुम अच्छी तुम कथा पाखे भगवान कथामृत पाखे मन ना तुम लोभटा मछ पाखे मछ तुम्हें देकी गल कह आसिले खाइबी ये लोभ क्रोध कल लोभ कल तापर तृतीय तुम्हें कौन करमें जाच तुम्हें कहला आमिष खाइबनी आमिष खाइले खराप सबु कथा कहल आमिष खाइले महापाप सबु कथा कहीदल किंतु तुम्हें आमिषे पूरा लिप्त होकि स्त्रीर कथा को शुणा मात्र के से प्रवचक जनक से ज्ञानी जनक से पंडित जनक मन भितर आत्मग्लानी सृष्टि आत्मसमीक्षा सृष्टि ये हूँ धर्म पत्नी जी स्वामी की धर्म पथरे नहीं पार धर्मर पथ देख पार सी हूँ धर्म पत्नी वर्धित सेतेबेले हबो जेतेबेले आमे अन्यर कथा को शुणिकी आत्मसमीक्षा करिबा गुरुदेव मोर गुरुदेव बाबा बलिया स्वतंत्र भाव गोटे भल कथे कहती तुम्हें से
ଭାବିବ ଯେ ତୁମ ଭିତରୁ ସବୁ ପାପ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବ, ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା ଠାରୁ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଯିଏ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିପାରିଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୁଲ କରିବନି। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ କହିଦେବ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ପୁଣି ଭୁଲ କରିବ ପୁଣି ତାପରେ, ତାହା ନୁହଁ। ଯିଏ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିକି ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତିକି ନେଇପାରିଛି ସେଇ ଯିବ ନାହିଁ ଆଗକୁ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳି କଥା ଆଜି ଆମେ ଆତ୍ମଦେବ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି ସାଧୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ହେ ଆତ୍ମଦେବ ତମେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ପାଇଛ ସେ ଜ୍ଞାନରୁ ତୁମେ ଭାବ ଗର୍ଭକ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କର। କିଏ ପୁତ୍ର, କିଏ କାହାର କନ୍ୟା, କେହି କାହାର ନୁହନ୍ତି। ଏଠି ସାଧୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ। ଏଠି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ହତାଦାର କରିବେ, ତାହା ନୁହଁ। ସେଇଠି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ତମେ କିଛି ଭୁଲ କର ନା, ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ତମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଅ ନା, ସେଇ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମନ ଦୁଃଖରେ ସହିତ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ସାଧୁଙ୍କ ଆଗରେ, କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜଞ୍ଜାଳମୟ ଜୀବନରେ ରହିଯାଇଛି, ମୁଁ ଏତେ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ରହିଛି ଯେ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନି। ଏଇ ମହାନ୍ଧ ସବୁଠାରୁ ଅନ୍ଧ ହେଉଛି ମହାନ୍ଧ। କେହି କେହି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରକୁ କୁହନ୍ତି ଯିଏ ସିଏ ଜନ୍ମଗତ ଅନ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି କେହି କିଏ କୁହନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ମହାନ୍ଧ। ପୁତ୍ର କବଳରେ ପଡ଼ି ସିଏ ମହାନ୍ଧ ହେଇଥିବାରୁ ଶହେ ପୁତ୍ରକୁ ହରେଇଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ମାୟାରେ ଯାହାଙ୍କ ମୋହରେ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ହଁ ହଁ ମାରୁଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ହିଁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ହରେଇଲେ, ଇଏ ହେଉଛି ମହାନ୍ଧ। ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଏ ସେବକ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଢ଼ିଥିଲା ଯେ ଯଦି ଆମେ କହୁଛେ ନାରୀ ହେଉଛି ମାୟା, ନାରୀ ମୁଖ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ, ଏଭଳି ଅନେକ କଥା ଆଲୋଚନା ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ଆସିଲା, ନା ନାରୀ ହେଉଛି ମା, ସିଏ ମାତୃସ୍ୱରୂପା, ସିଏ ମାୟା ନୁହଁ। ମାୟା ସେଇଠି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ କୁଚିନ୍ତା କୁଭାବନାରେ ଲିପ୍ତ ରୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି ମାୟା, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛନ୍ତି ମା। ଏଇ ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ କରୁଥିବା ଆତ୍ମଦେବ ଯଦି ଏ ମାଙ୍କୁ ଯଦି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତା, ଯଦି ସିଏ ଏଇ ମହାନ୍ଧରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ସିଏ ଏଭଳି ହେଇନଥାନ୍ତେ। ପୁଣି ସାଧୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଦେଖ ଏ ଭବାବ୍ଧି ଜଳରେ ସମସ୍ତେ ଭାସିଯିବା, ଏଠୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ତୁମକୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଚିନ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ନାମ ଭଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୁରୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରକୁ ସ୍ମରଣ କରି କରି ଶେଷ ଜୀବନରେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ନାମକୁ ଯଦି ସ୍ମରଣ କରି ତୁମର ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ ନା, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିବ ବାସ୍ତବରେ ତୁମେ ମୁକ୍ତି ପାଇଛ। ତୁମେ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, ତୁମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ସମୟ ବହୁତ କମ୍। ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଖାଇବା ପିଇବା ଶୋଇବା କର୍ମ କରିବାରେ ଚାଲିଯାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଭବସଂସାରକୁ ଆମକୁ ଯିଏ ଆଣିଥିଲା, ସୁନ୍ଦର ଆଖି ସୁନ୍ଦର ଓଠ ସୁନ୍ଦର ପାଟି ସୁନ୍ଦର ଗାଲ ହାତ ସବୁ କଥା ଯିଏ ଯାଇଛି ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଦେଲେ, ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କେତେ ସମୟ କଲେ, ତାଙ୍କ କଥାକୁ କେତେ ସମୟ ମାନିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ 24 ମିନିଟ୍ ଦେଇଛେ ତ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ କାଢ଼ିକି ଆମେ 24 ମିନିଟ୍ ଦେଇଛେ ତ, ଯଦି ନ ଦେଇଛେ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି,
आत्मदेवंक भळी आत्मचिंतन करिबा साधुसंग करिबा आउ साधुसंग करिकी आम पाखरे मध्ये समय अल्प अछि साधु कौन कहिले पुणी आत्मदेव कौन चिंता कले अल्प समय भितरे कौन आमे करिबा भजमन भजु थारे भागवत कथा मुने गाई मुने बोली हरु थारे व्यथा मुने गाई मुने बोली हरु थारे व्यथा भजमन ভাবরে ভাবরে ভাগবতা